आज आरसीबी ने हैदराबाद को हरा कर प्लेऑफ के लिए अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। तो किस प्रकार आरसीबी अपना अगला मैच गुजरात को हरा देती है, उसके बाद सीएसके जो है दिल्ली को अगर हरा देगी, उसके बाद जो लखनऊ और केकेआर का मैच होगा अगर उसमें केकेआर जीतती है, और फिर एमआई अगर एसआरएस से अपना मैच अगला हार जाती है तो उसके बाद लखनऊ और आरसीबी का मुकाबला हमें प्लेऑफ में देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल के लिए इन बातों को करते हैं किनारे और जानेंगे हम कल के मैच का रिव्यू। चलिए शुरू करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2023 के 65वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में हेनरिक क्लासन के शतक की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 186 रन बनाए। इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विराट कोहली के शतक और फाफ डुप्लेसी के अर्धशतक के बदौलत और उनके बीच हुई 172 रन की साझेदारी के बदौलत 4 गेंद शेष रहते ये मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम चौथे स्थान पर पहुंच गई है और हैदराबाद 10वें स्थान पर पहुंच गई है। नमस्कार साथियों, आज के शीडियो में हम बात करेंगे कल खेले गए हैदराबाद और आरसीबी के मुकाबले के बारे में। वैसे तो आरसीबी ने आसानी से विराट कोहली के शतक के बदौलत जीत लिया, तो क्या हुआ कल के मैच में जानेंगे हम इस वीडियो में विस्तृत अच्छे से, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैच में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली आज क्रिकेट जगत का वो शख्स जो अगर एक अच्छी इनिंग खेलता है तो कई रिकॉर्ड के विकेट अपने आप गिर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस मुकाबले में भी। आज का ये मैच आरसीबी के लिए करो या मरो का मुकाबला था। अगर आरसीबी ये मैच हारते तो प्लेऑफ के रेस से बाहर हो जाते। इस कठिन परिस्थिति में विराट कोहली ने न केवल शतक लगाया बल्कि कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। विराट कोहली ने इस शतक के साथ ही सर्वाधिक शतक लगाने वाले आईपीएल में भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं और ओवरऑल क्रिस गेल के साथ सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में संयुक्त स्थान के साथ पहले स्थान पर कायम हैं। और इसी के साथ विराट कोहली किसी भी टीम के लिए एक ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने उस टीम के लिए 7000 या उससे अधिक रन बनाए हैं। तो क्या हुआ कल के मैच में, चलिए बात करते हैं शुरू से। इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया। हैदराबाद के लिए ओपन करने आए अभिषेक शर्मा और राहुल द्रविड़ धीमे पारी खेलते हुए जल्दी ही आउट होकर चले गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान मार्करम कुछ देर तो टिके रहे लेकिन अभी बड़ी पारी नहीं खेल सके। लेकिन चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हेनरिक क्लासन, एक ऐसा नाम जो कि हैदराबाद के लिए निरंतर अच्छा प्रदर्शन करता रहा है। हेनरिक क्लासन ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए इस मैच में भी एक अच्छी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया और 51 बॉलों पर 104 रन की 3 तर्रार पारी खेली जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। हेनरिक क्लासन के अलावा हैदराबाद का कोई भी बल्लेबाज अच्छी पारी नहीं खेल सका, लेकिन फिर भी उनकी शतक हेनरिक क्लासन की शतक के बदौलत हैदराबाद ने 20 ओवर में 186 रन बनाए और बेंगलुरु को जीतने के लिए 187 रन का लक्ष्य दिया। हैदराबाद की मजबूत गेंदबाजी के सामने यह लक्ष्य तो बड़ा दिख रहा था, लेकिन आरसीबी के लिए ओपनिंग कर रहे हैं फॉफ डुप्लेसिस और विराट कोहली, दोनों के बारे में जितनी तारीफें की हैं इतना कम। इस मैच में फॉफ डुप्लेसिस लग ही नहीं रहे थे कि वो 39 साल के खिलाड़ी हैं। फॉफ डुप्लेसिस ने विराट कोहली के साथ काफ़ी खतरनाक और शानदार शुरुआत दी। डुप्लेसिस ने विराट कोहली के साथ अपनी टीम को शानदार शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 172 रन की पार्टनरशिप की। इसी के साथ ही वो आरसीबी के लिए या किसी भी टीम के लिए ओपनिंग साझेदारी करने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया। इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए डुप्लेसिस ने 47 बॉलों पर 71 रन और विराट कोहली ने 63 बॉलों पर 100 रन की पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी की जीत को इस कदर आरसीबी के हाथों में ला के दे दिया कि आरसीबी को कभी लगा ही नहीं कि आरसीबी को मैच हार जाएगी। जिस तरह इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की, हैदराबाद के सभी गेंदबाज बेबस नजर आए। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर कप्तान मार्करम को समझ नहीं आ रहा था कि किस गेंदबाज को गेंदबाजी करने के लिए लाया जाए। इन्होंने हर गेंदबाज की अच्छी खबर ली और अंत में ब्रेसवेल ने मैच विनिंग शॉट लगाकर आरसीबी को इस मैच को आसानी से जिता दिया। इसी के साथ आरसीबी ने 2 अंक हासिल कर लिए और पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। इसी के साथ